आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर वार, कहा हम आलू से सोना बनाने का वादा नहीं करते। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण में सोमवार को वोटिंग, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान। आनंद शर्मा ने कहा गलत अर्थव्यवस्था से देश की कमर टूट गई, क्योंकि मोदी सरकार ने जो कहा वह किया ही नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने सेना के नाम पर मांगे वोट, कैलाश विजयवर्गीय बोले भोपाल का चुनाव इस बात पर हिंदू आतंकवादी है या नहीं। और गर्मी ने मचाया कोहराम, खरगोन में बच्चे धूप में सेक रहे हैं पापड़। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कुछ बुद्धिमान लोग आलू से सोना बनाते हैं, हम ये वादा नहीं करते। उन्होंने कहा महामिलावटियों का आभारी हूं कि वे मेरे पिछड़े होने पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज, हरदोई और सीतापुर में रैलियों को संबोधित किया। सीतापुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा को समझ नहीं आ रहा है कि वे किस मुद्दे पर वोट मांगे। जात पात का जो खेल उन्होंने रचा था वो आज उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। बुआ बबुआ की दुकान पर ताला लग गया है, तो इस बार उन्होंने महामिलावट का नया काउंटर खोल लिया। कन्नौज में मोदी ने कहा कि मेरा प्रचार वे परिवार कर रहे हैं जिनका बेटा मातृभूमि की सुरक्षा में तैनात है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा कि आलू से सोना बनाने का वादा हम नहीं कर सकते। कैसे दोगले लोग हैं ये आपको फिर से याद आना चाहिए। आज मोदी को हटाने के नाम पर ये बेंजी किसको जाकर के मिली है? बेंजी आज किसके लिए वोट मांग रही है? भाइयों और बहनों, जो लोग बाबा साहब का अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। अब मोदी ने कहा कांग्रेस कह रही है कि जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों की संख्या को कम करेंगे, कांग्रेस देशद्रोह का कानून भी खत्म करना चाहती है, क्या इस सोच के साथ ये लोग आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करेंगे? उन्होंने कहा कि अपने पिछले कई चुनाव देखे होंगे, शुरुआती चरण खत्म होने के बाद वो कहने लगते हैं मोदी तो नीच जाति का है, मैं कभी जाति के नाम पर राजनीति के पक्ष में नहीं हूं, जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी तब तक मुझे इस बात का पता नहीं चला कि मेरी जाति कौन सी है, लेकिन अब मैं बहनजी, अखिलेश और महामिलावटियों का आभारी हूं कि वे मेरे पिछड़े होने पर चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का प्रचार थम गया है। चौथे चरण में सोमवार को वोटिंग होनी है, 71 सीटों पर वोटिंग होगी, कुल 943 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अमीर उम्मीदवार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तीन चरण में 303 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अब शेष चार चरणों में 240 सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। ये राज्य हैं बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। चौथे चरण में मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के लिए शनिवार शाम चुनाव प्रचार थम गया, सभी सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चौथे चरण में 71 में से 37 सीटें ऐसी हैं जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है, यानी इन सीटों पर 3 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इस चरण में कुल 443 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। नकुल की कुल संपत्ति 660 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लोकसभा के आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी और सभी 543 सीटों का परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा गलत अर्थव्यवस्था से देश की कमर टूट गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो कहा वह किया ही नहीं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भोपाल से मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 2019 के चुनाव को विशेष महत्व दिया है क्योंकि मोदी सरकार ने जो कहा करा ही नहीं। गलत अर्थव्यवस्था से देश की कमर टूट गई। प्रधानमंत्री के कई फिक्स इंटरव्यू अभी आ रहे हैं जिससे मोदी की कथनी और करनी का अंतर सामने है। 2014 में किए गए वादे बीजेपी ने अब तक पूरे नहीं किए। मोदी ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा बीजेपी को संकल्प पत्र की जगह जनता से माफीनामा निकालना चाहिए था। जो कहा गया था वो हुआ नहीं।
और समाज के बड़े वर्ग जो कमजोर शोषित वर्ग है उन पर सरकार की नीतियों से आघात पहुंचा है। गलत फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है और देश में कारोबार और रोजगार टूटे हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि 5 साल के बाद जो सरकार इस समय है भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो लेखा जोखा देंगे, हिसाब देंगे। आनंद शर्मा ने कहा कि नोटबंदी ने देश की कमर तोड़ी जिससे लोगों का रोजगार चला गया। ऐसे में मोदी ने जीएसटी लाकर भी देश का नुकसान किया, लेकिन बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 2014 में बीजेपी ने 5 से 6 बिलियन डॉलर खर्च किए। 2019 के चुनाव में बीजेपी इससे ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर रही है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने 90% हेलीकॉप्टर लिए। 2 दिन तक मोदी ने बनारस में करोड़ों रुपया खर्च किया। बीजेपी देश की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट की पार्टी बन गई है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वोट मांगने के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल किया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। एक सभा में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि सैनिकों का अपमान ना हो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अपने भाषण में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कहा भारतीय जनता पार्टी ही देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक कर निपटा सकती है। भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों से परेशान है। पार्टी के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साध्वी को समझाया है कि वे अपने शब्दों पर ध्यान दें, ऐसी बातें न कहें जिससे चुनाव आयोग नोटिस दे या आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन साध्वी पर इसका कम असर नजर आ रहा है। बैरागढ़ इलाके में साध्वी ने अपने भाषण में सेना का उपयोग किया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कहा भारतीय जनता पार्टी ही देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक पर निपटा सकती है। कभी पीड़ित ना होना पड़े इसके लिए कांग्रेस का सफाया होना जरूरी है। आतंकवाद ना कह पाए, हमारे धर्म पर कुठाराघात ना कर पाए, हमारे अस्तित्व पर कभी कुठाराघात ना कर पाए, मातृभूमि के साथ कभी कोई गद्दारी ना कर पाए, सैनिकों का कोई अपमान ना कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपने स्वाभिमान को बरकरार रख सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक करके निपटा सकती है। संघ कार्यालय समीधा में साध्वी को समझाया गया कि उनके बयानों से कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। साध्वी के साथ संघ के क्षेत्र प्रचारक दीपक विपुस्ते की मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली। साध्वी प्रज्ञा के बयानों से एक विवाद थमता नहीं है और दूसरा खड़ा हो जाता है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का भोपाल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भोपाल का चुनाव इस बात पर होगा कि हिंदू आतंकवादी है या नहीं है, इसीलिए हिंदुओं को वोट करना चाहिए। बीजेपी ने भोपाल के चुनाव की दिशा तय कर दी है। भोपाल का चुनाव हिंदुत्व बनाम छद्म हिंदुत्व हो रहा है। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होते ही दिग्विजय सिंह ने मंदिर परिक्रमा शुरू की और वे भोपाल के हर मंदिर पर नजर आने लगे। इसके बाद बीजेपी ने मालेगांव कांड की आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा को हिंदुत्व के नाम पर चुनाव में उतार दिया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कांग्रेस ने कहा हिंदू आतंकवादी है, भोपाल का चुनाव इसीलिए ही है कि हिंदू आतंकवादी है या नहीं। मैं समझता हूँ भोपाल का चुनाव इस बात के लिए होगा कि हिंदू आतंकवादी है या नहीं, इस बात के लिए भोपाल की जनता को वोट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हिंदू आतंकवादी है। अब हिंदुओं को तय करना है कि हिंदू आतंकवादी है या नहीं है, इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से। छिंदवाड़ा कलेक्टर को मुख्यमंत्री कमलनाथ का पिट्ठू कहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा
कहीं भी गड़बड़ है तो शिवराज लड़ता है, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूं। वहीं आईएएस अधिकारी इस मामले पर शिवराज के खिलाफ लामबंद है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के लिए अलग कानून और छिंदवाड़ा के लिए अलग कानून, ये अन्याय है और मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। उन्होंने कहा, मैं 14 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, न वहाँ न बाकी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ जैसा छिंदवाड़ा में। 6 बजे मैंने टेक ऑफ किया, मंडला से 6:30 बजे टेक ऑफ किया। इसके पहले जहाँ भी गया किसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुझे नहीं रोका। मैं 14 राज्यों में दौरा कर आया, 6 बजे मैं उड़ा। मध्य प्रदेश के बाकी कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी हर जगह उतरने की अनुमति दे रहे हैं, मैं सभाएं कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं छिंदवाड़ा में क्या है, दो अलग अलग कानून कैसे, एक छिंदवाड़ा के लिए और एक बाकी देश के लिए। मैं अन्याय अगर कहीं है तो उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। छिंदवाड़ा मसले पर शिवराज सिंह ने कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर कलेक्टर को क्लीन चिट मिल गई है। इधर पूर्व आईएएस डॉक्टर वीणा घाणेकर ने कहा कि आईएएस अधिकारी कानून और नियम से बंधे होते हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर को पिट्ठू कहना कहीं से भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो काफी समझदार नेता माने जाते हैं, पर किसी भी आईएएस अधिकारी को या कलेक्टर को जो कानून कायदे नियम सबसे बंधे होते हैं और उसके ज्ञाता होते हैं, उनको पिट्टू शब्द बोलना, पिट्टू शब्द बोलना कहाँ तक उचित है मुझे नहीं लगता। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आपका स्वागत है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक युवा नेता हार्दिक पटेल का अजीब सा बयान सामने आया है, जिसमें वे दुर्रा डकैत ददुआ को भगवान बता रहे हैं। हार्दिक पटेल डकैत ददुआ के भाई का प्रचार करने के लिए चित्रकूट में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को परेशानी में डालने वाला डाकू भगवान नजर आ रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल बांदा चित्रकूट लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बाल कुमार के प्रचार में करवी पहुंचे थे। वहां एक सभा में हार्दिक पटेल ने डके ददुआ को भगवान बताया। जिस लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो भी मैदान में आए थे। दुनिया चाहे उनको जो बोले, लेकिन जिन्होंने कहा है, जिन्होंने सोचा है, जिनके हित में वो काम आए, जिनके लिए वो लड़ाई लड़े, वो हर कोई जानता है कि बीच में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ददुआ जी उनके लिए भगवान थे। इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर ताई और भाई यानी सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्य दोनों मौजूद थे। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी पहले 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन मुहूर्त की वजह से उन्होंने अचानक नामांकन भरने का निर्णय ले लिया। शंकर लालवानी के साथ सुमित्रा महाजन, गोपी कृष्ण नेमा और कैलाश विजयवर्गीय भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। शंकर लालवानी को सुमित्रा महाजन का शागिर्द बताया जाता है, लेकिन उनका जुड़ाव कैलाश विजयवर्गीय से भी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस समय देश में मोदी लहर है। उन्होंने कहा, शंकर लालवानी भारी मतों से विजयी होंगे। ज्यादा से भी एनडीए की आएगी और एक तरीके से मोदी जी की सुनामी चल रही है। कल आपने बनारस का दृश्य देखा ही होगा, ऐसे सब तो जहाँ मोदी जी जा रहे हैं जनसैलाब आ रहा है, और इसलिए पूरे देश के अंदर एनडीए की पहले से ज़्यादा सीट आई। 100% मोदी जी शपथ लेने वाले हैं फिर से एक बार भी कर रहा हूँ ना। अरे इनका अरे यार, बाकी कभी आंकड़ों की बात की जाए तो कांकेर में नक्सलियों ने भीषण उत्पात मचाया और सड़क निर्माण के काम में लगे आधा दर्जन वाहनों को आग लगा दी। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण में लगे लोगों के साथ भी नक्सलवादियों ने बेरहमी से मार पिटाई की।
कांकेर के सोडवा पारा में चल रहे सड़क निर्माण को रोकने के लिए नक्सलियों का एक समूह पहुंचा और काम बंद करने की धमकी दी। जब नक्सलवादियों ने कहा गया कि सड़क तो आम लोगों के लिए बन रही है, इससे नक्सली इतने नाराज हो गए कि पहले तो सड़क निर्माण में लगे लोगों की इन्होंने जमकर पिटाई की और उसके बाद आधा दर्जन जेसीबी ट्रैक्टर और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। जाते जाते नक्सली पानी के टैंकर में भी आग लगा गए। आगजनी की इस घटना के बाद नक्सली सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर भी लगा गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। आधे मध्य प्रदेश में लू का कहर है। सभी जगह पारा 40 के पार है। खरगोन में तो पारा 46 के पार चला गया है और गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि बच्चे धूप में पापड़ सेक रहे हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने सभी का हाल बेहाल कर दिया है। आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में पारा 42 डिग्री के पार है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि गर्मी अभी और तीखे तेवर दिखा सकती है। इस समय निमाड़, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। निमाड़ में, खरगोन में तो तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे घर की छत पर धूप में पापड़ सेक रहे हैं। खरगोन में इस सीजन में सबसे ज्यादा तापमान शहर में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मालवा निमाड़ में लगातार तापमान बढ़ रहा है। कई इलाकों में लू भी चल रही है। मौसम विज्ञानियों ने गर्मी के तेवर तीखे बने रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजस्थान और गुजरात भीषण गर्मी की चपेट में है और वहां से आ रही हवाएं मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ा रही हैं। गर्मी का सर अब सड़क पर चलते वाहनों पर भी नजर आ रहा है। इंदौर में आ रहे एक ट्रक में भेरू घाट पर अचानक आग लग गई। ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता, आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। भेरू घाट पर अचानक चलते ट्रक में आग लग गई। वक्त रहते ड्राइवर ट्रक से उतर गया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। सिमरौल पुलिस को जैसे ही ट्रक में आग लगने की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। ट्रक में आग लगने की वजह से घाट पर कुछ देर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई, लेकिन ट्रक की आग बुझ जाने के बाद रास्ते पर यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। ड्राइवर का कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान गर्मी की वजह से ट्रक में आग लगी। पक्षियों की रक्षा का संदेश देते हुए बच्चों को पक्षियों के घर दिए गए और ताकि वे अपने आसपास पक्षियों की रक्षा कर सकें, उन्हें बचा सकें। शहरी इलाकों में वृक्ष के कट जाने से अब पक्षियों को घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल पाती है। संत हिरदाराम नगर के साधु बासवानी स्कूल के विद्यार्थियों को पक्षियों की रक्षा के लिए पक्षियों के घर दिए गए ताकि पक्षी इनमें घोंसला बनाकर रह सके। इनके वितरण करने का उद्देश्य यह है कि पक्षियों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता। इन घोंसलों में पक्षी गर्मी और बरसात में सुरक्षित रहेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों को पक्षियों के लिए दाना पानी देने हेतु मिट्टी के सकोरे प्रदान किए गए थे। बच्चों को छोटे घर बनाकर घोंसले प्रदान किए गए हैं। साधु बासवानी स्कूल की ओर से संत शिरोमणि सीताराम से का आशीर्वाद तथा सद्भाव की प्रेरणा से पक्षियों के लिए घोंसला वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके पीछे ये भावना है, इससे पूर्व बच्चों में पक्षियों के प्रति दया और भावना पैदा करने के लिए गर्मी के कारण तालाब, कुएं, ट्यूबवेल सब सूख रहे थे, इसलिए उनको दाना और पानी के लिए पाट आदि की व्यवस्था की गई है और बच्चों को घर घर पहुँचाया गया है और यहाँ से भी स्कूलों से उनको दिया जा रहा है। तमाम स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था जुटाई गई। उसके साथ ही अब घोंसलों की व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि पक्षियों के पेड़ वगैरह कटे जा रहे हैं और उनको बैठने करने के यहाँ सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहे हैं और वो कई पक्षी मर जाते हैं। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से संतों की ओर से सुद्भाव जी की प्रेरणा से घोंसलों की व्यवस्था की जाए जो हम बच्चों को प्रदान करने जा रहे हैं। इसी भाव भावना से
पक्षों के प्रति बच्चों में दया आएगी। शिक्षाविद विष्णु ज्ञानी ने बताया कि शहरों में नए नगरों में पेड़ ही नहीं है, पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है और वृक्षों की कमी होती जा रही है। इस भीषण गर्मी में पक्षियों के बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है। संत नगर में विभिन्न स्कूलों में संत जी एवं सिद्ध बाऊ जी के सहयोग से बच्चों को घोंसले प्रदान किए जा रहे हैं। साधु वासवानी स्कूल के बच्चों को पक्षियों के बैठने के लिए घर प्रदान किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, आजकल तो बहुत मजा आ रही है, जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं भन्नाट किस्म के। अभी देखो दिग्विजय सिंह साहब का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने एक लड़के से पूछ रहे हैं कि तेरे खाते में 15 लाख आए क्या, अकाउंट नंबर दो मुझे। वो लड़का आया मंच पे, आकर बोला कि मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मेरे तो 15 लाख वसूल हो गए। उसको ऐसा धक्का मार के निकाला बाहर, और बीजेपी वालों ने उसका सम्मान कर दिया बता रही। और मेरा कहना है, आप ग्लोबल भोपाल की बात कर रहे हो, उसके बारे में बताओ ना, ये फालतू बात है, ये ओल्ड फैशन। 15 लाख की पुरानी चीज़ें हो गई, अब कोई सुनता नहीं है इनको। वो बताओ नया क्या करने वाले। हाँ, और एक वीडियो और मस्त, ये नंद कुमार सिंह चौहान जो हैं, बीजेपी के अध्यक्ष थे पहले, सांसद भी रहे, एक इनका वो वायरल हो रही है। हाँ, और उसमें जब जैसे पहले एक वो बोला था ना राहुल गांधी का वायरल हुआ था कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, और ये कह रहे हैं एसी मशीन बनाऊंगा, एसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आदमी डालूंगा, उधर से बाई निकालूंगा। बताओ, ये बहुत मजा आ रही है इस समय तो, है बहुत इंटरटेनमेंट चल रही है। और ये एक नया स्टार्टअप देख लो, ये इंदौर की खबर है, यहाँ पे 12वीं तक पढ़ा हुआ वही लड़के ने एक नया स्टार्टअप किया, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोल दिया भैया पूरा। हाँ, और वो स्पेशल 26 मूवी देखी थी ना, जिसमें अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार कर लेते हैं ऐसी, तो वहाँ से इंस्पायर हो गए, इन्होंने अपना चालू कर लिया और छापे आपे मार दिए। और बाद में बताया ये पकड़े गए, कुछ पैसा वैसा भी कमा लिया थे इनने। तो अब मोदी जी भैया रोजगार दो, नहीं तो ऐसे स्टार्टअप शुरू करेंगे ये लड़के। हाँ, और ये खबर इधर देख लो, ये जो सनी देओल साहब हैं, जो 2.5 किलो का जिनका हाथ है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी वाले बोले हमारे ये 2.5 किलो का हाथ हमारे पास आ गया है, ताकत आ गई। ये गुरदासपुर से इनको टिकट भी दे दिया है, बीजेपी वाले फूले नहीं समारे, 2.5 किलो के हाथ दिखा रहे हैं ऐसे। और ये खबर, अच्छी खबर इधर बता रही हूँ, बजरंग पूनिया जो अपने पहलवान है, इन्होंने क्या एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड ले लिया। और मैं कह रहा हूँ अभी लौट के आ रहे हैं, इनको चुनाव में लगा दो, ये सब नूरा कुश्ती जो खेल रहे हैं ना अपने पॉलिटिशियन, इनको अच्छे से कुश्ती करना सिखा दें। हाँ, और मैं भी चला भैया अखाड़े, अपनी बॉडी वाड़ी बनाऊंगा, अखाड़े पहलवानी करूँगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।